पप्पू की गर्लफ्रेंड पप्पू के साथ 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने पप्पू के साथ खेतों में गई तो उसने देखा कि पप्पू के खेतों के सारे टमाटर बहुत लाल हैं। उसने पप्पू से पूछा कि हमारे टमाटर तो हरे हैं, आपके लाल कैसे हो गए? तो पप्पू ने कहा कि मैं नंगा होकर इनको पानी देता तो ये शर्म से ही लाल हो गए हैं। गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं भी अपने खेतों में यही तरीका आजमाऊंगी। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी जाकर अपने खेतों में सारे कपड़े उतार कर जब पानी दिया तो 3 दिन में ही उसने नोट किया कि टमाटर तो लाल ना हुए, अलबत्ता खीरे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। एक मरीज के काफी चोटें लगी, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखकर कहा कैसी लगी? मरीज ने कहा बहुत सुंदर है। डॉक्टर ने कहा तो मैंने नर्स के बारे में नहीं बल्कि चोट के बारे में पूछा है। एक मरीज डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया और वहां पर बहुत ज्यादा रश था। जब तकरीबन 50 बंदों के बाद उसकी बारी आई तो वो लेडी डॉक्टर को देखकर शर्मा रहा था। लेडी डॉक्टर ने कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या मसला है, मैं खुद चेक कर लूंगी। ये सुनकर आदमी बोला, वो मेरी बेबी कहती है कि मेरी बैल का स्वाद फीका है। वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक कर दें। एक बंदा कहीं ट्रेन पर जा रहा था तो उसका मोबाइल चोरी हो गया और वो बहुत ज्यादा परेशान था कि मोबाइल पता नहीं किसने मेरी जेब काट कर चोरी कर लिया है। आखिर जब वो शाम को घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी कपड़े पहना रही है और रो रही है और उस आदमी का सास ससुर भी घर में बैठे हुए। उसने कहा कि खैरियत है? तो उसकी सास ने उठकर उस आदमी से कहा कि खैरियत क्या होनी है, अब हमने जाना ही है जब तुमने तलाक ही दे दी है। आदमी ने कहा किसने तलाक दी तुमको? तो उसने कहा कि तुमने ही तो मैसेज किए हैं। तो उसने कहा कि मेरा तो सुबह से मोबाइल ही गुम हो गया है। उसने अपनी सास का मोबाइल पकड़कर अपने गुम मोबाइल पर कॉल की तो आगे से चोर ने उठा लिया। आदमी ने कहा कि एक तो तुमने मेरी जेब से मोबाइल चुराया, दूसरा तुम होते कौन हो मेरी बीवी को तलाक देने वाले। आगे से डाकू ने कहा कि यार जब से मैंने मोबाइल चोरी किया है तेरी बीवी के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, कभी कहती थी घी खत्म है लेते आना, कभी वे मेरा पीको वाले से दुपट्टा लेते आना, कभी कुछ कभी कुछ। उसने सुबह से 50 सौदे बनवा दिए, ये सौदों के मैसेज करना बंद ही नहीं कर रही थी, इसलिए बताकर मैंने उसे तलाक का मैसेज कर दिया। अभी 2 घंटे से स्कूल है। एक जगह पर कुछ लोग लड़के का रिश्ता देखने गए और जाकर उनसे कहा कि हमें तुम्हारी लड़की का हाथ चाहिए। लड़की वाले ने मजाक में कहा क्यों, आपको सिर्फ हाथ ही क्यों चाहिए? ये सुनकर लड़के वालों ने भी मजाक में कह दिया क्योंकि हमारे लड़के का हाथ थक गया है। वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक कर दें। पप्पू क्लास में से उठा अपने टीचर के पास जाकर कहा, टीचर जी क्या किसी इंसान को उस काम की सजा मिल सकती है जो कि उसने किया ही ना हो? टीचर ने कहा बिल्कुल नहीं। तो पप्पू ने कहा ठीक है, आप अपनी बात पर पक्की रहना, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। एक औरत की शादी को अभी 6 दिन ही हुए थे कि उसने अपने शोहर से कहा कि मुझे तलाक दे। शोहर बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि क्यों, तलाक लेने की वजह तो बताओ। औरत ने कहा कि मैंने तुमसे शादी बच्चों के लिए की थी, इसलिए नहीं कि मुझे ओटी खुल के आए।